Friends, the idiom of the day is fly a kite. This idiom is very, very important because we use this idiom in our daily life and we see in newspapers, in televisions. So we should know that what is the meaning of fly a kite. So friends, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लाई या काइट का क्या मीनिंग है एंड हाउ कैन वी यूज़ दिस idiom इन सेंटेंसेस, और इनका हम वाक्यों में, सेंटेंसेस में, अपने बोलने में, स्पीच में, स्पीकिंग में किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डेली यूज्ड, ये आम बोलचाल में, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक idiom है. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लाई या काइट का मीनिंग क्या है. तो इसका मीनिंग होता है टू सजेस्ट समथिंग इन ऑर्डर टू रेज इंटरेस्ट इन इट और अदर्स परसेप्शन ऑफ इट. मतलब किन्हीं व्यक्तियों का, क्योंकि व्यक्ति एक बड़ी संख्या में, व्यक्तियों की किसी मुद्दे पर उनकी क्या विचार हैं, उनकी क्या राय है, ये जानने का प्रयास करना, उनकी किसी मुद्दे पर क्या धारणा है, क्या परसेप्शन है किसी मुद्दे पर, ये जानने का प्रयास करना. जैसे कि जो एग्जिट पोल होती है, वो चुनाव से पहले, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ये जानने की कोशिश करती है कि किसकी सरकार बनेगी. तो ये क्या होता है कि एग्जिट पोल क्या करती है, फ्लाई या काइट, वो एक फ्लाई या काइट करती है, मतलब जानने की कोशिश करती है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, किसकी सरकार बनेगी. तो ये वो करती है. और कोई पार्टी है, नए नए टॉपिक लाती है, जैसे कि CA लाई और मंदिर का टॉपिक लाई, या फिर जो अपना कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन किया उसने, करके देखा एक हफ्ते का, एक महीने का, कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है, कहीं पब्लिक भड़क तो नहीं जाएगी, आगे फिर कैसे बढ़ाया जाए. तो पहले उसे आगे और बढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि लॉकडाउन बढ़ाना है आगे, तो पहले जान लेना चाहिए, एक हफ्ते का करके देख लेना चाहिए कि पब्लिक इसे झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी. तो इसका मतलब होता है जनमत जानने के लिए प्रयत्न. हिंदी में इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि लोगों की राय जानने का प्रयास करना. तो हम देख लेते हैं कि इसका हम, हाउ कैन वी यूज़ दिस idiom इन सेंटेंसेस. तो सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर एग्जांपल में, वो है व्हेन एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू माय आइडिया, आई रीअस्योर्ड देम दैट आई वाज जस्ट फ्लाइंग अ काइट, हैड नॉट मेड एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन ऑन द मैटर. तो यहाँ पर क्या किया, जो लीडर था या कोई नेता था या सामाजिक कार्यकर्ता, उसने ये लोगों के सामने एक आइडिया रखा है जिसमें लोग क्या हो गए, एकदम ऑब्जेक्ट किया लोगों ने, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू माय आइडिया, उसका विरोध किया, मतलब उस पर एकदम चौंक गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप. तो क्या हुआ, तो क्या नेता क्या बोला, आई रिस्योर्ड देम, मैंने उन्हें रिस्योर्ड किया, मैं तो केवल फ्लाई अ काइट, लोगों आपकी राय जानने की कोशिश कर रहा था, असल में मैंने ऐसा कोई डिसीजन अभी लिया ही नहीं है, मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा था कि यदि मैं 370 धारा हटा देता हूँ तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, या मैं राम मंदिर बना देता हूँ तो लोग कितना खुश होंगे, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो मैंने फैसला लिया ही नहीं है. तो इस तरीके की बात करना. तो ये पहला एग्जांपल हो गया, व्हेन एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू मी, जब सभी लोगों ने मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट किया कि ये क्या करने जा रहे हो, जो मैंने उन्हें किसी टॉपिक के बारे में बताया था उसके बारे में उन्होंने मुझ पर ऑब्जेक्ट किया, तो आई रीअस्योर्ड देम, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं तो बस जस्ट अ फ्लाई अ काइट, मैं तो बस अभी जानना चाहता हूँ कि क्या है. तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया. इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बिफोर इलेक्शन एवरी पार्टी फ्लाई अ काइट. तो जो बिफोर इलेक्शन क्या करती हैं पार्टियाँ, फ्लाई अ काइट, ये जानना चाहती हैं कि
पब्लिक का रुख किधर है, वो किसे वोट देगी, वो किन मुद्दों पे वोट देगी, वो एम्प्लॉयमेंट पे देगी या फिर राम मंदिर पे देगी या फिर हॉस्पिटल पर देगी या फिर वो गरीबी गरीबी से लड़ने के लिए वोट देगी या अपना मकान उनका खुद हो इसलिए वोट देगी, ये जानने के लिए। तो एवरी पार्टी बिफोर इलेक्शन एवरी पार्टी फ्लाई या काइट, मतलब वांट्स टू नो दैट व्हाट द पब्लिक वांट व्हाट द पब्लिक वांट टू वांट। तो ये हो गया इसका दूसरा एग्जांपल। अब देखते हैं कि इसका तीसरा एग्जांपल, एग्जिट पोल इज फ्लाइंग काइट बिफोर इलेक्शन रिजल्ट। एग्जिट पोल इज फ्लाइंग काइट बिफोर इलेक्शन रिजल्ट। तो जो एग्जिट पोल है वो इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही अनुमान लगाने में, लोगों की राय जानने में, अनुमान लगाने में व्यस्त है कि लोगों ने किसे बहुमत दिया है, लोगों का रुख किधर है, लोगों की राय क्या है। तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ फ्लाई या काइट। तो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो।